तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मार्केट एक्सपीरियंस पे। दोस्तों आज इस वीडियो में बात करेंगे फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करने के लिए आपको क्या करना होगा, दिखाऊंगा। वो छोटा सा प्रोसेस आप अपने मोबाइल से बड़ी आसानी से कर सकते हैं। कुछ स्टेप है, आपको इनकम प्रूफ आपको अपने झरोदा को भेजना होगा, जिससे वो आपका सेगमेंट एक्टिवेट कर देगा। सेगमेंट एक्टिवेट होने के बाद आप अपने मोबाइल से आसानी से फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हैं और एक दिन में अच्छा मुनाफा बना सकते हैं। एक दिन में आप पैसा डबल भी कर सकते हैं, लेकिन जितना आप मुनाफा जल्दी बनाएंगे, डबल कर सकते हैं, उसका नुकसान भी उतना ही जल्दी होगा आपको। आसान बात, काम ये है कि आप इसमें कम पैसों में ट्रेड कर सकते हैं, कम पैसों में अच्छा मुनाफा बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सेगमेंट कैसे एक्टिवेट करते हैं वो पूरा प्रोसेस मैं इस वीडियो में आगे बताता हूँ। उससे पहले दोस्तों बता दूँ, आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपका कोई सवाल बच गया हो तो उसको कॉमेंट बॉक्स में जाके कॉमेंट करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की करते हैं शुरुआत। दोस्तों आप अगर पहले से सेगमेंट एक्टिवेट कर रहे हैं और आपका एक्टिवेट नहीं हो रहा है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये झरोदा काइट ऐप से डायरेक्ट सेगमेंट एक्टिवेट नहीं होगा, क्योंकि आप उधर पूरा प्रोसेस कर लेंगे, लेकिन जब आप फाइल सिलेक्ट करेंगे तो वो फाइल सिलेक्ट नहीं होगी। तो दोस्तों फाइल कैसे सिलेक्ट होगी वो मैं आपको ये बताऊँगा इस वीडियो में। तो दोस्तों आपको डायरेक्ट झरोदा काइट ऐप ओपन नहीं करना है, आपको जाना है क्रोम में। दोस्तों आप अपने मोबाइल के क्रोम में चले जाएंगे और इधर टाइप करेंगे kitezaroda.com। देखिए दोस्तों मेरा आ गया, मैं इस पर क्लिक कर दूंगा, और इधर ये झरोदा काइट ओपन हो जाएगा। इसमें आप अपना पासवर्ड डाल के लॉगिन हो जाएंगे। मैं इधर लॉगिन हो जाता हूँ, तो देखिए दोस्तों मैंने इधर लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद आप ये AS लिखाई दे रहा है, इधर प्रोफाइल में जाएंगे अपने में, इधर माय प्रोफाइल। दोस्तों इधर माय प्रोफाइल में जाएंगे, माय प्रोफाइल में जाने के बाद उसके बाद दोस्तों ये आपको अकाउंट लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। अकाउंट के सामने ये लिखा है मैनेज अकाउंट, तो आप मैनेज अकाउंट में चले जाएंगे। मैनेज अकाउंट में जाने के बाद आप कौनसोल, झरोदा की कौनसोल वेबसाइट में आप लॉगिन हो जाएंगे। आपने अगर पहले से लॉगिन नहीं कर रखा है तो आप कौनसोल में ID और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेंगे। तो लॉगिन होने के बाद दोस्तों ये आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा व्यू ऑल कैटेगरी। ऑल कैटेगरी में आप जाएंगे तो इधर पर्सनल, बैंक, डीमेट, डॉक्यूमेंट, कमोडिटी, सेगमेंट एक्टिवेशन में जाएंगे। ये दिखाई दे रहा नीचे, सेगमेंट एक्टिवेशन में आप क्लिक करेंगे, अगला पेज खुल के सामने आ जाएगा। तो ये नीचे जाएंगे, देखेंगे एक्टिवेट सेगमेंट, ये मेरा सेगमेंट पहले ही एक्टिवेट हो रखा है, कंप्लीट हो रखा है। तो आप एक्टिवेट सेगमेंट में जाएंगे। अब इधर देखिए दोस्तों NSE, आप NSE के फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो इस पर टिक कर देंगे। दोनों में करना चाहे, BSE में भी करना चाहते हैं तो उस पर भी टिक कर देंगे, और अगर करेंसी में भी करना चाहते हैं तो करेंसी को भी टिक कर देंगे। नीचे कमोडिटी वाला है, इसमें करना चाहे तो वो भी टिक कर सकते हैं। मैं इधर करेंसी, NSE और BSE में टिक कर दिया हूँ। अब नीचे आप देखेंगे ग्रॉस इनकम, तो दोस्तों आपका इनकम कितना है वो इधर डाल देंगे। इधर देखेंगे आप 1 लाख से 5 लाख है या 5 से 10 के बीच में, आप जिस कैटेगरी में आते हैं वो आप इनकम इधर सिलेक्ट कर लेंगे। मैं इधर 5 से 10 कर देता हूँ, यानी इनकम, ग्रॉस इनकम सिलेक्ट कर दिया है। अब इधर आप देखें इनकम प्रूफ, इनकम प्रूफ में आप देखेंगे दोस्तों
इनकम प्रूफ में आप क्या क्या अपलोड कर सकते हैं, तो इधर ऊपर जाएंगे, इधर इनकम प्रूफ अपलोड इधर दिखा रहा है, तो आप इधर देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन में। नीचे जाएंगे इनकम प्रूफ में, दोस्त देखिए दोस्तों, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, द लास्ट सैलरी स्लिप, कॉपी ऑफ ITR, कॉपी ऑफ 16 नंबर फार्म, ये सब जितने भी डॉक्यूमेंट हैं इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर सकते हैं। तो बैक जाएंगे, तो दोस्तों तो चॉइस फाइल पे इधर जब क्लिक करेंगे तो फाइल इधर फाइल सेलेक्ट कर लेंगे, आपको PDF फाइल इधर आप देख लीजिए, सपोर्ट फॉर्मेट PDF, इधर PDF फाइल ही सपोर्ट करेगा, तो आप PDF पहले ही बना के रख लीजिए। आप सैलरी स्लिप का जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हैं उसका आप एक PDF पहले ही बना के तैयार कर लीजिए। मैं इधर PDF फाइल बना रखा हूँ, सिलेक्ट फाइल में जाएंगे, इधर फाइल में जाएंगे, फाइल में जाने के बाद जो भी डॉक्यूमेंट आपने PDF फाइल में रखा है उसे सिलेक्ट कर लेंगे। मैं इधर सिलेक्ट कर लिया हूँ, ये सिलेक्ट हो गया है। सिलेक्ट होने के बाद फाइल पासवर्ड में आप कुछ मत डालिए, अगर आपका कोई फाइल जो आपने PDF फाइल वगैरह कुछ बना रखा है उसको आपने अगर पासवर्ड से प्रोटेक्ट कर रखा है तो वो पासवर्ड आपको डालना होगा, नहीं इसको खाली छोड़ दिए, कोई ज़रूरत नहीं है। आप सबमिट पर जब क्लिक करेंगे आपका ये प्रोसेस पूरा हो गया है, जब आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो ये आपका सबमिट हो जाएगा, झरोदा के पास में चला जाएगा, और आपका 24 घंटे या 48 घंटे में आपका ये एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में बड़ी आसानी से ट्रेड करके पैसा बना सकते हैं। तो देखिए दोस्तों कितना आसान प्रोसेस था, तो आशा करता हूँ दोस्तों आप बड़ी आसानी से समझ गए होंगे। एक बार दोस्तों फिर बता दूँ कि आप डायरेक्ट झरोदा काइट ऐप से नहीं सेगमेंट एक्टिवेट कर पाएंगे, क्योंकि उसमें फाइल सिलेक्ट नहीं होता है, मैंने भी किया था पर नहीं होता है। उसके लिए आपको क्रोम में जाके kitezharoda.com पे ही एक्टिवेट करना होगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप भी बड़ी आसानी से एक्टिवेट करके और फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। अगर हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।